यहाँ पे। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ रीप्रोग्रामिंग। सो ये रीप्रोग्रामिंग होता क्या है भाई? ये रिप्रोग्रामिंग होता क्या है और किस लिए रिप्रोग्रामिंग किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात कि ये रिप्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द रिप्रोग्रामिंग? सिंपल है, रिप्रोग्रामिंग का मतलब है रीड, ठीक है, और इरेज, ठीक है, एंड राइट। अभी व्हाट इज द रीड, व्हाट इज द इरेज एंड व्हाट इज द राइट, ये समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए आपका जो ईएमएमसी और ईएमसीपी होता है ये एक तरह का स्टोरेज मेमोरी होता है। इसके अंदर दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है नैन और एक होता है नॉर। अब ये नैन क्या है नॉर क्या है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको एक तरह का आप पेन ड्राइव समझ सकते हो या मेमोरी कार्ड समझ सकते हो। सो ये एक तरह का मेमोरी होता है और ये मेमोरी की डाटा को स्टोर करने का काम करता है। सो डेटा जो है स्टोरेज करने का काम का ये मेमोरी करता है। तो इसमें जो डेटा होता है उसे ही हम रीड करेंगे, उसे ही हम इरेज करेंगे और उसे ही हम राइट करेंगे। उसे बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग, मतलब उसी के फाइल को रीड करेंगे, उसी के फाइल को इरेज करेंगे और उसी के फाइल को राइट करेंगे, उसे बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिप्रोग्रामिंग कब की जाती है? ठीक है, सो रिप्रोग्रामिंग करने के लिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि रिप्रोग्रामिंग एग्जैक्टली कब की जाती है। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर खोल लेता हूँ यहाँ पे, देखिए। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर खोल दिया, देखिए ये एक टीएमएमसी ट्रबल शूट स्टेप है। इसको अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कब कब कौन सी चीजें करनी है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टीएमएमसी आईसी कनेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी आईसी को पहले कनेक्ट करेंगे। सो कनेक्ट किससे करेंगे, आईएसपी से करो या ई सॉकेट से करो, मतलब आईसी उतार के करो या आईएसपी से करो। आईएसपी के बारे में मैंने कल के क्लास में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि आईएसपी होता क्या है, आईएसपी का काम क्या होता है, आईएसपी कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जैसे ही आपकी आईसी कनेक्ट हो जाएगी, देखिए अगर ये कनेक्ट होती है तो क्या और नहीं होती है तो क्या, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कि आपकी आईसी कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट होने के बाद अगर आपके आईसी का हेल्थ खराब है तो हम रिफ्लेक्शन करेंगे, और अगर आपके आईसी का हेल्थ खराब नहीं है तो हम रिप्रोग्रामिंग करेंगे। समझ में आया? रिप्रोग्रामिंग कब करेंगे, आपका आईसी का हेल्थ खराब है तो रिपार्टीशन, और अगर आपके आईसी का हेल्थ सही है तो रिप्रोग्रामिंग। समझ में आया? ठीक है, सबको वीडियो दिखाई दे रहा है, यस और नो? आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए या नो टाइप कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भाई बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। मुझे मेरे मोबाइल पर वीडियो आसानी से और सही से दिखाई दे रहा है, और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी है, वीडियो एचडी क्वालिटी में आ रहा है। और यस आपका इंटरनेट स्पीड इसके लिए बहुत मैटर करता है, मैंने दूसरे पे लिया है और
बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश है। थैंक यू। सो समझ में आया रिप्रोग्रामिंग कब करेंगे? अगर आपका आईसी बैड हेल्थ में नहीं है तो आपको रिप्रोग्रामिंग करना है। ठीक, रिप्रोग्रामिंग में हम रिप्रोग्रामिंग क्यों क्यों करते हैं, उसके रीजन देखो। तो मैंने यहाँ पर रीजन लिखा। पहला रीजन क्या लिखा है? मोबाइल डेड कंडीशन में आता है। मोबाइल जब आपका डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में चेक करते हो, अगर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है तो भी आप रिप्रोग्रामिंग करोगे। फ्लैश किया है फिर भी हैंग ऑन लो है, आपने फ्लैश करने के बाद भी लोगों पे अटक रहा है, फ्लैश तो एरर भी है। एरर के बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि क्वालकॉम का अगर आपके पास आईसी है, एमटी के का अगर आपके पास आईसी है, तो आपके टूल के ऊपर कौन से एरर आएंगे, कौन से एरर पे आपको पे किस लेवल का काम करना है, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। सो अगर आपके मोबाइल में फ्लैशिंग करते वक्त एरर आ रहा है तो आपको ये रिप्रोग्रामिंग करना है। अगर आपका फोन डेड बूट क्या होता है ये आपको प्रोग्रामिंग के द्वारा बताया जाएगा। ये स्टोरेज साइज भी सेट करना है, यूजर का साइज होता है वो छोटा मोटा हो जाता है तब भी आपका फोन रिप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। बूट कॉन्फ़िगरेशन जो सीपीयू को चलने के लिए का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उसका इफेक्ट भी रिप्रोग्रामिंग की जरूरत है। डेड फ्रॉम फ्लैश फाइल, देखो अगर आपने गलत फ्लैश फाइल फ्लैश किया तो आपका फोन डेड हो जाता है। देखो जैसे कि सैमसंग के फोन नॉर्मली हम ऑर्डिनरी टूल से फ्लैश करते हैं, और अगर ऑर्डिनरी टूल में आपने फ्लैश किया गलत फाइल से और अगर वो फोन डेड हो गया तो आपको मोबाइल को ISP IC उतार के कनेक्ट करना पड़ता है। ये इसके अलावा जैसे कि वीवो के फोन एमटी के सेट आ जाते हैं, जैसे कि एमटी के सेट में प्रीलोडर कोड बनाता है या ब्रोम कोड बनाता है या ये दोनों नहीं बनाता है, आपने खाली FRP कर दिया। FRP करने के बाद उसके सारे के सारे प्रोग्रामिंग पूरी निकल जाती है और पूरी की पूरी निकलने के बाद वो फोन डेड हो जाता है। सो जैसे आपने क्लिक लॉकिंग किया आपका फोन डेड हो गया, उस कंडीशन में भी आपको रीप्रोग्रामिंग करना है। और अगर आपने DC पे चेक किया, अगर आपका फोन डेड है और 60 to 150 नहीं है, 120 है, 60 to 120 अगर आपको रीडिंग दिखा रहा है तो भी आपको IMMC का काम या रीप्रोग्रामिंग का काम करना है। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक क्लियर हो रहा है, यस और नो? अगर टॉपिक क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में सी टाइप कीजिए, जो मुझे पता चले कि हाँ यार ये आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। और जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको लगता है हाँ सर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप आई भी टाइप कर सकते हो। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अभी मेरा मे भी गियर टू बॉक्स क्लियर में वो भी आ जाएगा, जैसे मेरा इजी सेटअप खत्म होगा उसके बाद मैं आपको मेपी टेस्टर का गियर टू का ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। और उसके वीडियो भी मैं शायद एक दो वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको गियर टू के वीडियोस नहीं मिलेंगे क्लास रिलेटेड। बॉक्स थोड़ा लेट से आए, अभी वो एक दो तीन दिन में मेरे पास आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसी खत्म होती है हम मेपी के क्लास को शुरुआत करेंगे। सो यहाँ पे ये समझ में आया आपको, यहाँ पे जो मैंने बताया कि किस तरह से आपको रिप्रोग्रामिंग करना है, अभी क्या क्या रीड करना है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो रीड करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इजी जेटेक को इंस्टॉल करते हो, सो इजी जेटेक को इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन से सेटअप को यूज करना है ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात, जैसे आप इजी को इंस्टॉल करते हो तो आपको इजी जेटेक प्लस ये वाला टूल आपको आ जाएगा, इजी जेटेक प्लस ये वाला टूल आ जाएगा, इजी जेटेक क्लासिक ये वाला टूल आ जाएगा, इजी जेटेक SPA फ्लैशर ये टूल आ जाएगा। ये टूल चार टूल आपको इसके अंदर आ जाएंगे। अभी ये जो प्लस टू है इसमें आप पुराने एनसेटी पुराने टेक्निक से काम कर सकते हो, जैसे कि प्लस में आपका Android 9 वो फर्मवेयर वर्जन दिखाएगा और सही से सपोर्ट करेगा। MTK के जितने भी फोन है वो अगर फ्लैशिंग करने जाते तो प्लस में हो जाएगा, प्लस टू में अभी MTK सपोर्ट नहीं है। लेकिन प्लस टू अगर आप देखोगे तो प्लस टू के अंदर आपका MTK का फ्लैशिंग नहीं है बाकी, लेकिन सारे ऑप्शन एडवांस लेवल के हैं। तो अगर आप EMMC का काम कर रहे हो तो आप प्लस वाला इंस्टॉल, लेकिन EMCP का काम कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ओनली प्लस टू यूज करना है। अभी इस प्लस टू में भी एक बीटा वर्जन आता है,
बीटा वर्जन पेड होता है। अभी आप बीटा वर्जन ना खरीदे क्योंकि उसकी प्राइस उस 12-13 हजार के आसपास, शायद जल्द से जल्द वो बीटा वर्जन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। बीटा वर्जन जो है वो बीटा वर्जन आपका थोड़ा एडवांस है, बाकी कुछ नहीं है। और क्या क्या एडवांस है ये मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब भी काम करते हो, मैं आपको बता दूं, अगर आप टीएमएमसी का काम करते हो तो आप प्लस यूज कीजिए, प्लस वाला टूल यूज कीजिए, ठीक है, और ये वाला टूल यूज करें। लेकिन अगर आप टीएमसीपी का काम करते हो तो वनली एंड वनली, ध्यान रखना, वनली एंड वनली प्लस टू जो लेटर्स है और क्लासिक यूज करना है, बाकी आपको टूल यूज नहीं करना है। ये दो ही टूल आपके लिए यूजेबल है, इसके अलावा दूसरे टूल पे आपको काम करना नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा और एक टूल आता है जिसे ईएमएमसी फाइल मैनेजर बोलते हैं। ईएमएमसी फाइल मैनेजर जो है ये थर्ड पार्टी टूल है। थर्ड पार्टी टूल मतलब कि भले बॉक्स के साथ चलता है लेकिन इसके जो डेवलपर है ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी होने की वजह से ये टूल है सही, लेकिन इसमें बहुत सारे अपडेट कम है। लेकिन आप, मैं बताऊंगा कि किस लेवल तक या किस कंडीशन में आपको ये यूज करना है, तो भी आपको ये यूज करना है। अगर आपके पास बीटा वर्जन है तो बीटा वर्जन को भी यूज कर सकते हो, बीटा वर्जन इज द गुड टूल। इसके बाद और एक टूल आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एसपीआई टूल। एसपीआई टूल में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बायोस आईसी, कंप्यूटर लैपटॉप एलईडी एलसीडी ड्रोन सीसीटीवी के जो आईसी आते हैं प्रोग्रामिंग आईसी, बायोस आईसी प्रोम या इप्रोम या एसपीआई, ये आईसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इजी अटैक में काम करते हो तो आपको वनली प्लस टू और क्लासिक ये दो ही टूल यूज करना है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से टूल में क्या करना है, कौन से टूल में क्या नहीं करना है, ये पहले आपको समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको रीप्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सो रीप्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली बैड हेल्थ नहीं है, रीप्रोग्रामिंग करना बैड हेल्थ नहीं है। आपका फोन हैंग ऑन लोगो है, रिस्टार्ट हो रहा है, लोगो पे अटैक रहा है, बैड हेल्थ नहीं है, फिर भी आपको रिस्टार्ट रिस्टार्ट या हैंग ऑन लोगो का प्रॉब्लम है तो आपको रीप्रोग्रामिंग करना ही करना है। यहाँ पे मैंने मेरा टूल ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टूल खुला। सो इस टूल में मैं आपको सारे चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सोर्स। सोर्स में आपको यहाँ लिखा है सेटेक प्लस, आपने बॉक्स के साथ आईएसपी और ई सॉकेट कनेक्ट किया है। ध्यान देना, मैं वापस बताता हूँ, अगर आपने बॉक्स के साथ आईएसपी और ई सॉकेट कनेक्ट किया है तो आपको जेटेक प्लस यूज करना है। और अगर आपने इसके साथ मोबाइल को क्वालकॉम का फोन एरियल में डाला है, सो 9008 पोर्ट है तो उसके लिए, अगर आपके पास एसपीडी है उसके लिए, अगर आपने एडीपी में डाला है एडीपी के लिए, अगर आपने 9006 पोर्ट में डाला है उसके लिए, और इमेज फाइल अगर आपने फ्लैश फाइल से करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन मैंने दिया है। तो मैं आपको 9008 पोर्ट कैसे काम करता है, एसपीडी का पोर्ट कैसे काम करता है, ये मैं आपको क्लास के दौरान आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैंने मोबाइल के आईसी को उतार के ई सॉकेट के अंदर कनेक्ट किया है। सो अगर मैंने ई सॉकेट के ऊपर कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं इस सेटिंग में मैंने यहाँ पे ई सॉकेट लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरा फोन आईसी यूएफएस होता, या अगर मैंने आईएसपी के साथ कनेक्ट किया होता, या यूएसबी के आईएसपी के साथ कनेक्ट किया होता, तो यहाँ पे ऑप्शंस को दिखाई दे रहे हैं, आईएसपी आईएसपी हाई पावर ई सॉकेट यूएफएस सॉकेट यूएफएस आईएसपी सॉकेट, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे आपने ई सॉकेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8 है, 2.8 आपका बीसीसीए का, मैंने आईएसपी के बारे में बताया था। सो ये बीसीसीए है, 2.8 आया, मैंने आपको ये भी बताया था 2.8 क्यों आता है, 3.3 क्यों आता है, 2.2 क्यों आता है, ये मैंने आपको कल के क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है, ये मेगाहर्ट्ज़ आपकी क्लॉक की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सो फ्लैग क्लॉक की फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा है ऑटो में आपको 1 बिट मतलब डाटा का सेक्शन लिखा हुआ है। सो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बैड हेल्थ नहीं है। अगर आपका फोन बैड हेल्थ में है तो आपका फोन एक तो डेड होगा या लोगों पे अटकेगा।
अगर आपने आईसी को चेक किया और देखा कि हेल्थ सही है, फिर भी आपका खून लोगों पे अटक रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है या डेड है, उस कंडीशन में आपको रीप्रोग्रामिंग करना है। क्लियर विश्वजीत दत्ता? क्लियर? यस नो? आपने जो मुझे मिलता है कि बैड हेल्थ नहीं होने में रीप्रोग्रामिंग क्यों करना होता है, उसके बारे में बताओ। अगर आपका फोन बैड हेल्थ में नहीं है, फिर भी लोगों पे अटक रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है या डेड है, आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपको रीप्रोग्रामिंग करना है। रीप्रोग्रामिंग में बस सिंपली रीड करना है, इरेज करना है एंड ट्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपली मुझे कनेक्ट पे टिक करना है। अगर आप कनेक्ट नहीं, सीधा आप स्कैन पिन भी कर सकते हो, तो स्कैन पिन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे कौन से पिन मेरे डिटेक्ट हो रहा है। अगर देखो सारे पिन डिटेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो एक पिन छोटा छोटा है और ये अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। तो आप है ना, एक तो स्कैन पिन से रिकनेक्ट कर सकते हो या यहाँ से सीधा कनेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे। ये दोनों ऑप्शन एक ही के लिए है। देखो यहाँ पे ये आईसी मेरी डिटेक्ट हो रही है। अभी मैं आप लोगों को सिंपल प्रोसेस में आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना सीख गए तो एट्टी परसेंट आपका प्रोग्रामिंग का काम। तो सबसे पहले हम इन चीजों को ही पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आईसी मैंने यहाँ पे, ये देखो सबसे पहला पार्ट, हाँ एक एक पार्ट बता देता हूँ। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका इंडेक्स। तो हम रीड कर लेंगे चार अलग अलग सेशन में। पहला हम देखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जब भी आपकी कोई भी किताब होती है, उस किताब का पहला जो पन्ना होता है, फर्स्ट पेज, वो होता है इंडेक्स। इसी इंफॉर्मेशन से आपको किसी भी आईसी की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये आपको समझना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्लेम देखा है। आईसी कौन सी कंपनी की है? तो सैमसंग की है, लेकिन मॉडल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये MI 6A का है। 6A का मॉडल है, मतलब मोबाइल 6A का है, लेकिन आईसी जो है वो सैमसंग कंपनी की। अभी इसमें यहाँ पे आपको नेम दिया हुआ है, कल आपको याद होगा, कल मैंने आपको इस नंबर से आईसी का नंबर पहचानना बताया था। यहाँ पे देखिए आईसी का क्या नंबर है। आईसी का नंबर है, ध्यान देना, आईसी का नंबर है क्यू क्यू 72SMV। हम इस नंबर से पता करेंगे कि आईसी कितनी साइज की है, आईसी का स्टोरेज कितना है, कौन से BGA की है और रैम कितनी जीबी की है। बस इन 6 डिजिट से पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद रहा। सबसे पहले हमारा ये आईसी सैमसंग कंपनी का है, तो उसका नाम चालू होता है के से। सैमसंग है तो के से स्टार्ट होगा। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1.8 लिखा है, आप देख सको ESC CST 1.8 5.1 है। तो कौन बताएगा मुझे कि ये EMMC है या EMCP है, बताइए। अगर ये 1.8 5.1 है तो क्या ये EMMC है या EMCP है? चलो आप मुझे चार बॉक्स में बताइए। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये EMMC या EMCP है, तो कैसे पता चलेगा? KL ने क्लास माय क्लास में था। EMCP, यस जैन भाई बोल रहे हैं EMCP, यस ग्रेट EMCP, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अगर ये EMCP है तो सेकंड वर्ड क्या होगा? सेकंड वर्ड मेरा क्या होगा? अगर ये EMMC है तो मेरा सेकंड वर्ड क्या होगा? तो मेरा सेकंड वर्ड होगा EMCP के लिए, मेरा सेकंड वर्ड होगा M। तो मेरा सेकंड शब्द होगा M। अभी थर्ड वर्ड क्या होगा? तो ये जो आपका क्यू दिखाई दे रहा है, सो थर्ड वर्ड होगा आपका Q72। तीसरा चौथा शब्द यहां से लेंगे, तीसरा चौथा शब्द हम यहां से लेंगे। इसके बाद अभी ये देखो 5.1 है, तो मुझे बताइए 5.1 होने के बाद मैंने आपको
ये भी पता था, 5.1 होने के बाद आपको इसका नंबर लगेगा 600। अगर ये 5.0 होता तो क्या लगता है? मैंने कल आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, अगर ये 5.0 होता तो क्या लगता? यस साउंड्स गुड। अगर ये 5.0 होता तो 100 लगता, लेकिन ये 5.1 है तो यह लगेगा 600। और बाद में SMB, बाद में क्या नंबर लगेगा? यस MB, साउंड्स गुड। देखो IC का नंबर मिल गया, यही से आपको पता चलेगा कि IC कितनी GB की है, IC के अंदर RAM कितनी GB की है, IC कौन से BGA की है। ये सारे डिटेल्स आपको इस नंबर से पता चलेगा। मैंने आपको क्या बता दिया, ध्यान रखना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था। ये आपका तीसरा शब्द है, ओके। ये आपका यहां से यहां पे डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। क्लियर? इंटरेस्टिंग? क्या आपको ये पहले पता था? यस और नो? मैं आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस अगर आपका एक्सपर्ट होगा, बेस अगर प्रॉपर होगा, तो आपको EMMC और UFS प्रोग्रामिंग में कोई नहीं रोकेगा, एकदम बेस्ट से ही है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल में जो टेबल दिया है सैमसंग का, उस टेबल के साथ भी इसे मैच कर सकते हो। लेकिन किसी भी IC के अगर आप देखोगे तो ये 6 नंबर आपको यहाँ इस तरह से तो समझ में आएगा कि आप किस तरह से देखोगे। क्लियर? इधर क्लियर? अभी नेक्स्ट यहां पे है आपका हेक्साइड। व्हाट इज द हेक्साइड? मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा कि ये हेक्साइड होता क्या है। देखिए हेक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके प्रोग्रामिंग में। हेक्साइड जो होता है, यही आईडी वाला CPU इसके साथ मैच करेगा। ये आपके CPU के कनेक्टिविटी आईडी होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्साइडी कैसे मैच करते हैं और CPU के साथ किस से मैच हुआ, तो इसमें आपका AB वाला CPU, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका IC सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद इसका रिलीजन हो गया, इसके अंदर इसकी साइज दिखाई दे रही है, साइज आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखो रॉन्ग वन, ध्यान रखना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखिए क्या है, रॉन्ग 1 रॉन्ग 3, ये इसकी साइज है। अभी इसके आगे देखो कैपेसिटी क्या है रॉन्ग की, तो रॉन्ग की कैपेसिटी है 59 GB, ओके। इसका रियल नेम क्या है? मेन यूजर डाटा, ओके। रॉन्ग 1 को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? बूट पार्टीशन 1 एंड बूट पार्टीशन 2। अगर आपका यूनिफाई है उसमें आपको बूट 1 बूट 2 रहेगा, और यहाँ पे रॉम 2 रॉम 3 रहेगा। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 4 MB है। और ये जो है इसे एड्रेस कहा जाता है, ये एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है आपने इस एड्रेस को कभी गौर किया होगा। ये एड्रेस बहुत मैटर करता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैटर करता है। हम आते हैं इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। इसके अलावा और एक लिखा हुआ है PMB, ध्यान दें, RPM भी कभी भी पार्टीशन नहीं होता है। तो 3 पार्टीशन इसके अंदर होते हैं। कौन से 3 पार्टीशन? इसको IC को एक तरह का हार्ड डिस्क मानते हैं, और हार्ड डिस्क के अंदर जैसे सी कोलन डी कोलन ई कोलन होता है, उस तरह से हम इसे पार्टीशन समझते हैं। तो देखिए कौन से पार्टीशन इसके अंदर होते हैं, टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्टीशन होते हैं। पहले कौन सा पार्टीशन अगर हम देखेंगे तो पहला पार्टीशन है आपका ROM 1, फर्स्ट पार्टीशन आपका ROM 1। क्या साइज है ROM 1 की? 59 GB, ध्यान देना।
59.6 GB, ठीक है। सो 59.6 GB है रोम टू एंड रोम थ्री, या क्या आएगा 4 4 MB, या क्या आ गया 4 MB, ठीक है। छोटा पार्टीशन है, बूट वन मतलब रोम टू आपका फर्स्ट बूट तक लेके जाने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन है, जैसे कि एमपीके में अगर आप देखोगे तो आपका प्रीलोड लॉक बनता है, प्रीलोड हेडर बनता है, प्राइमरी जीपीटी बनती है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये देखो ये प्राइमरी जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे प्राइमरी जीपीटी है तो नीचे सेकेंडरी जीपीटी होगा, तो ये जीपीटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन समझ लीजिए। तो ये मेरे हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में आपको ये तीन पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपका ये 59 है। तो ओवरऑल आईसीपी साइज आप देखोगे तो ये 64 GB का है ओवरऑल आईसीपी, ठीक है। अभी इस आईसी के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे ऊपर आ रहा हूं, क्या लिखा है, बैकअप जीपीटी हेडर फाउंड, यहाँ क्या लिखा है रॉम वन। सो ये जो आपका रॉम वन है, इस रॉम वन के अंदर ये जितने भी आपको पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे, जितने भी ये पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे, ये सारे पार्टीशन आपके रॉम वन के अंदर है। जिसे जीपीटी कहते हैं। तो रॉम वन के अंदर के सारे पार्टीशन को गाइड पार्टीशन टेबल कहा जाता है, या MBR कहा जाता है। जैसे बॉक्स आपका, सबसे वो कंपनी नाम दे देती है। अगर हम इसे देखते हैं ध्यान दें, सो जीपीटी के अंदर अगर हम देखिए तो मेन मेन पार्टीशन पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए यूजर डाटा, अब देख सकते हो 9.5। सो ये 9.5 नहीं है क्योंकि अभी प्रोग्राम में यूजर को रिसाइज करना जरूरी है, ये जब रिसाइज होगा तो ये आपका ऑलमोस्ट चला जाएगा। सो ये आपका सबसे बड़ा पार्टीशन होता है, ये वाला जो आपका 54 GB के आसपास होगा। उसके बाद आपका सिस्टम और वेंडर, जिसके अंदर फ्लैश फाइल होती है 3 GB के अंदर होती है। सो यूजर डाटा और सिस्टम वेंडर कस्ट मतलब फ्लैश फाइल छोड़ के जो पार्टीशन बचते हैं उन पार्टीशन को कहा जाता है डम पार्ट, डम पार्ट या डम पार्टीशन, जिसे हम बोलते हैं ना डम फाइल, डम फाइल, डम फाइल। डम फाइल मतलब द कलेक्शन ऑफ जीपीटी पार्टीशन, इसे बोलते हैं डम पार्ट। तो अगर आप इस फाइलों को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो समझो, अगर आपका फोन 2 GB 4 GB 8 GB है तो ये 512 के आसपास आएगा, ठीक है 512 MB आएगा। लेकिन अगर ये 16 GB और 32 GB है तो ये ऑलमोस्ट आपका 1 GB के अंदर आएगा, और अगर 64+ है तो ये आपका 2 GB के पास आसपास आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी साइज का मेमोरी हो, रूल बता देता हूँ डम्प रीड करने का, कोई भी साइज का मेमोरी हो आपको मैक्सिमम 512 का डंप लेना है, जिसमें आपके सिक्योरिटी राइट हो जाएंगे और सिक्योरिटी शो भी होंगे। या अगर आपको रीड करने में दिक्कत हो रही है, खास करके जब आपका फोन बैड हेल्थ में होता है तो आपको रीड करने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में मिनिमम आपको लेना है 64 MB। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो अभी हम
यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि टर्म को किस तरह से रीड कर सकते हो, सो हाउ टू रीड टर्म। तो सबसे पहले मैं टर्म को रीड करने के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपके पार्टीशन शो हो रहे होंगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉन्ग टू रॉन्ग थ्री रॉन्ग वन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको बूट पार्टीशन को रीड करना है। सो यहाँ पे मैं रॉन्ग टू और रॉम थ्री को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बूट पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और यहां से आपको इसको रीड करना है। जैसे मैं रीड पे टिक करता हूँ, सो यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दूंगा और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो न्यू फोल्डर डालता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। सो सबसे पहले मेरी क्या रही होगी, रॉम टू और रॉम थ्री। अभी देखो इसका एड्रेस 0024000 मतलब 4 MB आपको दिखाई दे रहा है। सो ये साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दो फाइल को मैंने रीड कर दिया। तो सबसे पहले डंप पे यहाँ पे न्यू फोल्डर में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो रॉम टू रॉम थ्री रीड हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये 4 4 MB है। इसके साथ वो एक सोर्स फाइल आ गई, सोर्स फाइल के अंदर इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, सीआईडी नंबर क्या है, सीएसजी नंबर क्या है, कितने साइज कैसी है, कौन सा बूट पार्टीशन है, यहाँ पे निकली है या नहीं है, कॉन्फिगर है या नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर आपको आ जाएगी। इसके अलावा अगर सही से देखोगे तो आपको कोई फाइल आएगी ईएक्सटी सीएक्सटी ईएक्सटी सीएक्सटी एक्सटेंडेड कास्ट स्पेसिफिकेशन डालना। अभी मैं आपको सीआईडी सीएसडी और ईएक्सटी सीएक्सटी इन तीनों का फर्क समझाऊंगा ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये फिर क्यों हो गई है। इसमें अगर हम देखते हैं कि ये रॉन्ग है, अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन ऑप्शन में आ जाता हूँ और 7 जीबी में इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे खोलने के लिए ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये अकेली सिंगल फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है खोलने लायक, इट्स सिंगल फाइल। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स बाइनरी डाटा, ये सिंगल बाइनरी डेटा है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे हेक्सा एडिटर में खोलोगे, सो अगर आप देखते हो, सो मैं यहाँ पे हेक्सा एडिटर टूल के बारे में भी बताने वाला हूँ। सो इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे हेक्सा व्यूअर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हेक्सा व्यूअर दिखाई दे रहा है। सो हेक्सा व्यूअर में अगर आपको इसको दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे देखो इसका स्टार्टिंग ईएमएमसी बूट से होता है। स्टार्टिंग क्या होता है, ईएमएमसी बूट। अगर ये होता मतलब यूएफएस होता तो यहाँ लिख क्या था, यूएफएस क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बता देना, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा थोड़ा हेवी हो रहा है तो मैं आपको उस टाइम पे भी बता दूंगा, उसी वक्त मुझे बता देना। यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर भी चाहता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है इसके अंदर इसका डाटा मौजूद है, ये फाइल ब्लैंक नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैंक फाइल, इट्स नॉट अ इट्स वर्किंग फाइल। ये फाइल को आप यूज कर सकते हो। हाँ, इस फाइल को मॉडिफाई करने का तरीका मैं आपको एचडीएफसी टूल में बताऊंगा, एग्जिट टूल में मैं आपको और डीप में बताऊंगा। उसका एक हमारा 4 या 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग चलेगा उसमें आपको एग्जिट एडिटर टूल के बारे में बताऊंगा कि डम से आप आई में नंबर कैसे ले सकते हो, आप उस आईसी को उसके अंदर फाइल है या नहीं है कैसे देख सकते हो, ये बूट पार्टीशन जो है इसको आप पूरी तरह से एडिट कर सकते हो। अगर आपके पास डम फाइल नहीं है और अगर आपके पास बूट फाइल है तो आप उससे भी डम क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया, सो अभी इस तरह से देख सकते हो कि ये खाली है, नहीं है। अगर मैं उसी को यहाँ पे रॉम थ्री को करता हूँ, सो रॉम थ्री को भी मैं यहाँ पे करता हूँ, हेक्सा व्यूअर में आ जाता हूँ। देखो इसकी भी शुरुआत कहाँ से हो गई है, ईएमएमसी बूट से, और इसके अंदर डाटा है कि देखते हैं, देखो डेटा है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, 0 0 दिखाई दे रहा है, और शब्द दिखाई दे रहे होंगे, सो इसका मतलब ये है और दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब आपका बूट पार्टीशन
सही है, इससे ही आपका फोन ऑन होगा। अगर ये फाइल ब्लैंक होती, उसी को आप रीड करते और उसी को राइट करते, तो आपका प्रोग्रामिंग होना थोड़ा नामुमकिन है। क्लियर? हम आते हैं हमारे रोम वन पे। अगर हम रोम वन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, तो ये मेरा रोम वन है। अभी जो रोम वन को रीड करना है, फर्स्ट ध्यान देना। सो मैं यहाँ पे रोम वन सिलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मुझे आना है रीड सिलेक्ट रोम पार्ट के लिए। आपको दिखाई दे रहा है रीड सिलेक्ट रोम। अगर मैं फुल कर दूंगा, पूरा का पूरा 64 GB वो रीड लेगा। मुझे ये सारा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली 512 MB। सो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मेरा 512 MB सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं 512 MB सिलेक्ट कर दूंगा, मेरा फोल्डर मांगेगा, सेम फोल्डर के अंदर मैं इसे सेव कर दूंगा। वेट, देखो क्लिक हो गया। सो मैं आ जाता हूँ वापस फोल्डर में। देखो यहाँ पर रोम वन गया। अभी रोम वन को खोल दो। देखे एड्रेस, देखे इसका एड्रेस क्या है, आपको 2000 समथिंग है, 512 MB का है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ 7 ज़िप में। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर सारे आपके रोम के पार्टीशंस आपको दिखाई देंगे। क्लियर? सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको अभी बताऊं। अभी इसमें देखो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको चलो HDFC टूल पे खोलता हूँ। सो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और HDFC पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से है, 0 0 से, क्योंकि ये बूट पार्टीशन नहीं है। अगर बूट पार्टीशन होता तो EMMC बूट के नाम से आएगा, जो फोन को फर्स्ट और सेकेंड लोगों तक लेके जाने का काम करता है। लेकिन अब ये बूट पार्टीशन ना होने की वजह से 0 0 से स्टार्ट है। नीचे आते हैं हम, देखो डाटा दिख रहा है आपको, डेटा दिखाई दे रहा है आपको, डेटा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? सो डेटा अगर आपको शो हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी स्टोरेज फाइल्स या इसके अंदर भी फाइल है। यहाँ पर ऊपर गया, दिख रहा है आपको? इधर अगर आपको देखना है, तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एड्रेस के बारे में बताया था, तो उस एड्रेस के हिसाब से भी आप यहाँ पे उसे रीड कर सकते हो। अगर आपने एड्रेस सीधा सीधा डाल दिया, कॉपी कर दिया एड्रेस को और एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, सो आप बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो एड्रेस रीड हो गया था, सो तो समथिंग ये वाला एड्रेस था, ये देखो दिस वन एड्रेस। सो इस एड्रेस को आप यहां से कॉपी करके सीधा एक्सेल एडिटर में डाल के भी कर सकते हो। ठीक है, सो इज इट क्लियर कि किस तरह से आप एक्सेल एडिटर में से देख सकते हो? ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको 512 रीड करने में दिक्कत हो रही है, मैंने क्या बोला मिनिमम 64 MB रीड करना मिनिमम। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम 64 MB भी रीड करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसे टिक कर दो, अनटिक करता हूँ, वापस से टिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, वहां पे 64 MB रीड करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 64 MB रीड कर दिया, उसी फोल्डर के अंदर डालता हूँ। देखो रीड हो गया। अभी मैं मेरे वापस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ।
ये मेरा फोल्डर है, देखो ये मेरा 64 MB का गया। देखो 64 MB का आने के बाद देखो एड्रेस चेंज हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो मुझे क्या करना है, इसको वापस से टिक करता हूँ, यहाँ पे मैं शो मोर पे आ जाता हूँ और 7 ZIP में इसको खोलता हूँ। देखो 64 MB में और 512 MB में आपको सेम पार्टीशन शो होंगे, सेम। ये देखिए दिख रहा है आपको, सेम पार्टीशन शो है। पार्टीशन भले सेम हो लेकिन आपका जो 64 MB है, ध्यान रखना 64 MB में आपके सिक्योरिटी पार्टीशन ब्लैंक आते हैं और 512 में आपके सिक्योरिटी पार्टीशन ब्लैंक नहीं आते हैं। तो अगर आपको सिक्योरिटी रिपेयर करनी है तो 512 MB का डंप आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आपको फोन को खाली जिंदा करना है तो 64 MB भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अगर ध्यान देना, अगर ना आप 64 MB ले पा रहे हो ना आप 512 ले पा रहे हो, आ रहा है बार 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 एरर आ रहा है, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो आपको ये दोनों भी ना होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको करना क्या है, आपको वनली एंड वनली प्राइमरी GPT, आपको दिखाया दिया होगा वनली एंड वनली प्राइमरी GPT, बस इस पार्टीशन को रीड करना है, प्राइमरी GPT पार्टीशन को रीड करना है। तो मैं यहां से प्राइमरी GPT को रीड करता हूँ, उसी फोल्डर के अंदर रखता हूँ, यस कर देता हूँ, देखो रीड हो गया। और आ जाते हैं फोल्डर में, देखो ये मेरे आगे प्राइमरी GPT आप देख सकते हो, रोमन प्राइमरी GPT एड्रेस चेंज हो गया। हम अभी इस प्राइमरी GPT को यहां से राइट क्लिक करते हैं और वापस इसे 7 ZIP में खोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तीनों भी पार्टीशन क्या है, सेम है। प्राइमरी GPT बनली आपके मोबाइल के गाइड पार्टीशन टेबल को क्रिएट करने का काम करता है, ना इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगा ना कुछ चीज होगा। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप खाली प्राइमरी GPT को राइट कर दोगे फिर भी आपका डम क्रिएशन हो जाएगा। तो आप तीन तरह से डम को रीड कर सकते हो, अगर 500 वाला है गुड, 500 वाला नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम, आप 64 ले लो, अगर 64 भी नहीं आ रहा है तो प्राइमरी GPT ले लो। क्लियर? तो जो भाई ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और जो भाई नए हैं वो मुझे थोड़ा सा बता देना चैट बॉक्स में कि जो मैं आपको ये जो टिप्स और ट्रिक दे रहा हूं क्या आपको ये पहले पता था या नहीं। शायद अगर आपको ये पता थी तो आप यस टाइप कर दें, अगर नहीं है तो बस चैट बॉक्स में नो टाइप करना। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपको बता दे। देखो परसों मैंने माइक्रोन का IC का बैड हेल्थ रिपेयर करने के बारे में बताया था कि आप RPM भी क्लीन कर सकते हो माइक्रोन के IC का, और उसका प्रैक्टिकल लाइव वीडियो, ये प्रैक्टिकल लाइव सक्सेस रिपोर्ट मैंने ग्रुप में भी डाला था, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाला था कि भाई माइक्रोन को आप किस तरह से RPM भी क्लीन कर सकते हो और उसको किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके बाद और किसी भाई ने भी दूसरे बार भी वापस स्टेटस डाला कि सर हाँ ये मेरे भी RPM भी क्लीन हो गया है। सो कुछ चीजें ऐसी है कि जो चीज मैं यूट्यूब पे एक्सपोज नहीं कर सकता वो मेरे स्टूडेंट के लिए, सारी चीजें अगर फ्री में देता तो फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो बेस्ट देने की
सारे लोग आपसे खुश नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं काम प्रॉपर करूँ। सो बाकी जिसकी मर्जी पे मेरी नॉलेज देने में आपको कोई कमी नहीं करूंगा। मैं एक एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च होता है मेरा, और टॉपिक को आपको डीप में पढ़ा जाता है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तरीका आपको इतनी आसानी से होगा कि आपको समझने और समझाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। सो मैंने आपको अभी बता दिया कि किस तरह से आप डम को रीड कर सकते हो अलग अलग तरीके से। कल के क्लास में, अभी आज मैं यहाँ पे रोकने वाला हूँ, और कल भी क्लास एप्लीकेशन से होगा, मैं वापस आपको बता देता हूँ। कल का क्लास भी एप्लीकेशन से ही होने वाला है। रोज रोज मैं क्लास के बारे में नहीं बताऊंगा। क्लास का जो वेबसाइट वाला लिंक है वो लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जिसको अगर बैच रिक्वेस्ट बोल रहा है तो मैं आपको बैच कोड भी डाल देता हूँ और आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड भी डाल देता हूँ। तो ध्यान रखना, एक वक्त पे आप एक ही वक्त टाइम पे एक ही जगह पे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल से जुड़े हो तो आपको वेबसाइट से नहीं, एप्लीकेशन इससे नहीं जुड़ सकते, पीसी से नहीं जुड़ सकते हो। अगर पीसी से जुड़े हो तो आप इस पे नहीं जुड़ सकते, दोनों वक्त पे। तो पहले आप मोबाइल से लॉग आउट हो जाओ या बाहर आ जाओ और फिर आप इससे जुड़ो, ठीक है? तो दोनों में से आप एक जगह से जुड़ सकते हो, बड़े स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो, आपका वीडियो तुरंत एप्लीकेशन के अंदर अपलोड हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा। अगर वैल्यूएबल लगा है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि कल जो मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूँ, कल टॉपिक लेने वाला हूँ, पूरा पूरा क्लास मेरा कल होने वाला है, और वो क्लास मेरा पूरा होगा सिक्योरिटी पार्टीशन के ऊपर। सिक्योरिटी पार्टीशन, कौन से सिक्योरिटी पार्टीशन जरूरी होते हैं, कौन से पार्टीशन को रीड करना है, और उस पार्टीशन को मैं आपको हेक्सा एडिटर टूल में ओपन करके दिखाऊंगा। और कल के क्लास में आप डम फाइल से आईबीएन नंबर कैसे ढूंढ सकते हो, सीरियल नंबर कैसे ढूंढ सकते हो, और उसको रिपेयर भी कैसे कर सकते हो, ये कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सो डम फाइल से आईबीएन नंबर कैसे मिलेगा और उसे आप रिपेयर कैसे कर सकते हो, तो आप मुझे बताइए। क्या आप लोगों को मस्त आज का क्लास मस्त हुआ? थैंक यू वेरी मच सर। जो कोड वाला टॉपिक है वो बार बार बता देना। जी, कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा। देखिए, मैंने आपको जो वेबसाइट का लिंक दिया है, वेबसाइट पे लिंक पे जाना, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी एंटर करना है। अगर आप ऑलरेडी क्लास में जुड़े हो तो आप सिंपली डायरेक्टली बैच से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास में नहीं जुड़े हो तो बैच कोड दे देता हूँ, बैच कोड से आप रिक्वेस्ट करना, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूंगा, फिर आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल से जुड़ रहे हो तो मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस सिंपली नोटिफिकेशन पे टिक करो, आप सीधा क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। मुझे बताओ कि क्लास में ज्वाइन होने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। क्लास हमारा जूम से नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शंस बहुत सारे चीजें मैंने डाली हुई है। बहुत कुछ नया मिला सर, थैंक यू वेरी मच दत्ता भाई, बहुत कुछ नया मिला, आज का क्लास मस्त हुआ। देखिए, ये आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, आप लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स से निकले। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मोबाइल पे क्लास चालू करके रखा है, आप देख सकते हो, ये मेरा फोन है जिसके ऊपर मेरा क्लास चल रहा है, मुझे सारी चीजें दिखाई देती है, आपके कमेंट्स भी दिखाई देते हैं। और सर थोड़ा साउंड इश्यू सॉल्व कर दीजिए 100%। मैं कल माइक को चेंज कर दूंगा। हर एक क्लास मेरा नया और नई टेक्निक से होगा। जैसे कि आज मैं कैमरे पे आया हूँ तो कोने में अभी मैं और एक कैमरा ऐड कर दूंगा। मैंने बहुत सारे मोबाइल, अभी मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के लिए मोबाइल भी लेके आया हूँ। ये लाइव फोन है, चालू फोन है, हम अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाएंगे आपके लिए, थोड़ा कैमरे के लिए। सो प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। कैमरा हिल गया शायद मेरे से, अभी मैं करने गया तो कैमरा हिल गया। कोई नहीं, सो प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने बहुत सारे फोन्स लेके आया हूँ। ये अभी डेड फोन है, इसके ऊपर मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और मेरे पास माइक्रोन का आईसी वाला भी मैंने एक फोन लाया हूँ, मैं लाइव फोन माइक्रोन आईसी का आरपीएम भी क्लीन करके ऑन करके दिखाऊंगा। तो और एक कोने में कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर कोने में, जिसमें आपको लाइव फोन दिखेगा और यहाँ पे मेरा कैमरा दिखेगा। और बहुत सारे क्लास में अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो आज मैंने अपडेट किया है क्लास के दौरान, तो मुझे आप बताइए कि जो मैंने अभी अपडेट किया है तो आपको मुझे लगता है कि मस्त लग रहा होगा शायद। अभी ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर, अभी मैं हम अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं है, सीधा आप आपके सामने बैठे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। थोड़ा कैमरे का सेटिंग वेटिंग मैं कर लूंगा, ये कैमरा मेरे से हिल गया।
सो इसका ये सेटिंग हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें क्लास को वर्कआउट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा और सही से समझ में आया होगा। आज मैं यहीं पे रुकूंगा। कल मैं आपको इसी टाइम पे 10 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, दसवीं दानिया एंड गुड नाइट।